गर्भवती अनामिका रोते रोते कूड़ादान से खाना निकाल के खाती है। आसपास से सभी गुजरने वाले बड़े अजीब से देख रहे थे। तभी उसके बड़े भाई रवि उसी रास्ते से गुजर रहे थे। अनामिका को देखकर वो भी बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। अरे बहना, अनामिका ये क्या कर रही हो? बहुत ही आश्चर्य होके उसने पूछा। अनामिका सारी बातें खुल के बताने ही जाती है अपने भाई को कि तब तक उसे चक्कर आता है और वो चकरा के बेहोश हो जाती है। उसके पूरे शरीर में चोट के निशान थे। बिना देर किए हुए उसके भैया उसे तुरंत अस्पताल ले गए। उसी दिन शाम के वक्त डॉक्टर आके रवि से कहती है, रवि जी आपने कहा था कि वो आपकी बहन है, वो तो गर्भवती है, आपको उसकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। आपको ये भी नहीं पता, ऐसा लग रहा है कई दिनों से उसने खाना तक नहीं खाया। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनके रवि के आंखों में आंसू आ गए। अरे अरे सर, आप क्यों रो रहे हैं? मैडम, 2 साल बाद मैंने अपनी बहन को देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं उसे इस परिस्थिति में देखूंगा। वो इस तरह उदास होकर कहता है। फिर डॉक्टर पूछती है वास्तव में क्या हुआ था। फिर वो सारी बातें एक एक करके खुल के बताता है शुरू से। मैडम, हमारे गांव का नाम है अमलापाली। कम उम्र में ही हमने अपने माता पिता को खो दिया। बचपन से मैंने ही उसका देखभाल किया है। हम बहुत ही गरीब परिवार से हैं। मैंने कड़ी मेहनत करके उसे पाल पोस के बड़ा किया। गरीबी में भी उसे अच्छे से शिक्षित किया। फिर मेरी बहन अनामिका रमेश नाम के एक व्यक्ति से मुझे परिचय कराती है। वो बहुत ही धनी व्यक्ति था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस तरह से मेरी बहन ने मुझसे कहा। मैंने भी ठीक है कह दिया। असल में मैं उसके घर गया था सब कुछ पता करने। उसकी माँ बहुत ही सख्त और रूखी है, इस तरह से सभी ने कहा। मैं बहुत डर गया, फिर भी सोचा कि एक बार जाके उससे बात कर लूं। तब मैं उनके घर गया। उन्होंने मुझे देखकर कहा, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? किसको चाहते हो? माँ जी, मेरा नाम रवि है। मेरी बहन अनामिका आपके बेटे के साथ ही पढ़ाई की है। उनकी पढ़ाई खत्म हो गई है, लेकिन सुना है रमेश की कहीं पे नौकरी लग गई। छोड़ो वो सब, असली बात क्या है वो बताओ। मेरी बहन और आपका बेटा एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर आप चाहें तो उन दोनों की शादी करा दें। ऐसा? पर बेटे ने तो कुछ नहीं कहा। शादी की जब बात है तो अच्छा क्या बता के। आओ आओ बैठो, बैठ के बात करो। मुझे लगा अच्छी महिला है। फिर हम वहाँ बैठ कर सभी अच्छे और बुरे सारी बातें करने लगे। मैंने अपनी परिस्थिति के बारे में बताया। फिर ये सुनकर शारदा कहने लगी, खाने के लाले पड़े हुए हैं और ये चले करोड़पति से शादी कराने। दफा हो जाओ मेरे आंखों के सामने से अभी। माँ जी, मुंह संभाल के आप बात कीजिए। मेरी ये बात सुन के वो मुझे आदमियों से पिटवाने लगी। जख्मों के साथ मैं घर लौट आया। ठीक उसी वक्त देखा अनामिका शादी के जोड़े में। उसकी शादी हो चुकी थी। बहन अनामिका, ये तुमने क्या कर लिया? तुम्हारी सासू माँ अच्छी औरत नहीं है। वो इस शादी को नहीं मानेंगी। वो तुम्हें नरक दिखा के छोड़ेगी। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के शादी नहीं की। रमेश ने मेरे साथ जबरन शादी की। उसकी बातें सुनकर मैं गुस्से को काबू में नहीं रख पाया। उसके कॉलर को जाके पकड़ लिया। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया और भाई बहन का रिश्ता टूट गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती थी, कैसे रहती थी, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। मुझे पता नहीं वहाँ क्या हुआ। 2 सालों बाद मैंने उसे देखा अनाथों की तरह कचरे के डब्बे से खाना निकाल के खाते। तब मेरी नजर पड़ी। इस तरह वो सारी कहानी डॉक्टर से कहता है। डॉक्टर उसे दिलासा देती है। थोड़ी देर बाद अनामिका को होश आता है। ये जानकर रवि और डॉक्टर दोनों उसके पास जाते हैं। अनामिका अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर अचानक से अनामिका बहुत रोने लगती है। वास्तव में क्या हुआ उस बारे में रवि उससे पूछता है। भैया, घर जाने के बाद मेरी सास मेरा ख्याल रखने का अभिनय करना शुरू कर देती है। मुझे भी लगा मेरी सासू माँ अच्छी है, पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। उसके पेट में सिर्फ साजिश चल रही है। मैं 2 बार गर्भवती हुई और दोनों बार उसने नष्ट कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो मुझे प्रताड़ित करने लगी। मैंने अपने पति से उस बारे में कहा,
पर उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, उल्टा गुस्सा किया। इतने दिनों बाद मैं फिर से गर्भवती हुई, लेकिन मेरे साथ मेरे खिलाफ फिर से साजिश रचने लगी। ये मेरे और वहाँ काम करने वाले ड्राइवर के बीच अवैध संबंध है। उसने मुझे घर से निकालने के लिए मेरे पति से कहा। 2 दिन हो गए थे, मैंने खाना नहीं खाया था। मैं जिंदा हूँ मेरे पति को सच कहने के लिए, इसीलिए कूड़े से खाना निकाल के मैं खा रही थी। इस तरह अनामिका ने जो कुछ हुआ था सब विस्तार में बताया। बुरा मत मानना बहन, सच तो सच ही रहेगा। तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो। सब छोड़ दो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ऐसा कहकर रवि अनामिका को लेके वहाँ से चला जाता है। अनामिका अपने भाई के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी। कुछ दिनों के बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है। अनामिका बस यही चाहती थी कि उसके पति सच जानने के बाद उसके पास जरूर लौट आए। वो लक्ष्मीपुर गांव था। वहाँ शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। शारदा बहुत ही ढीठ किस्म की महिला थी। अनामिका बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव की थी। अनामिका की शादी के 5 साल हो चुके थे, फिर भी कोई बच्चे नहीं थे उसके। इस वजह से शारदा उसे बात बात पर डांटती थी और ठेस पहुंचाती थी। अनामिका के पति खेत में काम करता था और फसल बेच के जो पैसे मिलते थे उसी से जीविका चलाता था। एक दिन शाम के वक्त शारदा अनामिका को लेकर गोद भराई के रस्म के लिए शालिनी के घर गई। आओ आओ भाभी, इतनी देर से क्यों आई? हाँ बहन। भाभी तुम कुछ अच्छी खबर नहीं सुनाओगी? इसके अलावा और कोई कमी नहीं है जिंदगी में, तुमने देखा है ना। खाने और सोने के अलावा और कुछ नहीं है, क्या फायदा। मैंने अपने बेटे को कितना डांटा, कितनी दफे कहा, फिर भी उसे कोई अकल नहीं। उसे कहा कि दूसरी शादी कर लो, वो तुम्हारे बेटे बेटी को जन्म देगी, पर उसे कोई मतलब ही नहीं। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे बेटे में क्या कमी है भाभी? अच्छा देखने में है, पैसे अच्छे कमाता है। अगर उसे फिर से शादी करने का मन हो तो बताइएगा, मैं लड़की ढूंढूंगी उसके लिए, वो भी उस औरत के लिए जो उसे एक बच्चा पैदा करके नहीं दे सकती। मान गए भाभी, तुम्हारे बेटे को तो नमस्ते करना चाहिए। सब उस लड़की का जादू है, पता नहीं क्या कर रखा है उस पर, डांटने से भी कोई फायदा नहीं होता। इस तरह शारदा और शालिनी बातें कर रहे थे जब शालिनी की बहू को चूड़िया पहनाने गई थी अनामिका। तुरंत शालिनी कहने लगती है, वही रुको, तुम गर्भवती तो हो नहीं पाए, तुम्हें किसी समारोह में नहीं जाना चाहिए। नहीं पता, तुम्हारी सासू माँ को अपने साथ तुम्हें लाना ही बहुत बड़ी भूल है। ऊपर से तुम जाके नियम पालन कर रही हो। हाँ, तुम नहीं चाहती हो क्या मेरी बहू शांति से एक अच्छे बच्चे को जन्म दे? निकलो यहाँ से। इस तरह वो अनामिका का अपमान करती है। अनामिका रोते रोते वहां से अपने घर चली जाती है। शारदा वहां पे सब नियम कानून निपटा के फिर घर लौट के जाती है। अनामिका एक कोने में बैठ के बहुत रो रही थी। क्या हुआ अनामिका, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? किसी ने तुम्हें डांटा है? मैं बहुत अभागन हूँ, मैं गर्भ धारण नहीं कर सकती और आपको पिता नहीं बना सकती। मुझे माफ कर दीजिए, आप दूसरी लड़की से शादी कर लीजिए। कम से कम जिस लड़की से आप शादी करेंगे वो आपको पिता बनाएंगे। मेरी बात सुनिए और दूसरी शादी कर लीजिए। अब ऐसा क्या हो गया, तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो? ये मुद्दा कहाँ से आया? दूसरी शादी की बात तो हमने कभी नहीं छेड़ी, जरूर तुमसे किसी ने कुछ कहा है। कोई क्यों कहेगा, और ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा है, पर तुम कितने दिनों तक ऐसे ही रहोगे? मैं किसी भी तरह गर्भ धारण नहीं कर सकती, और तुम्हारे परिवार को उत्तराधिकारी तो चाहिए ना, इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। रमेश, तुम जो भी कहो, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। हालांकि बच्चे ही दुनिया नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हमारे बच्चे नहीं है, मेरा प्यार तुम पे कम नहीं होगा। इस विषय को फिर कभी मेरे पास मत लाना, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इस तरह से कहकर रमेश अंदर चला जाता है। अगले दिन सुबह शारदा अनामिका को बुला के कहती है, तुमने देखा ना, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी खड़ी खोटी सुननी पड़ती है पड़ोसियों से। इस तरह से जीने से तो बेहतर है कि तुम मर जाओ, कम से कम मैं बेटे की दूसरी शादी तो करा सकूं। माँ तुम्हें होश है, तुम क्या कह रही हो? मर जाना हर बात का समाधान नहीं है, आइंदा ऐसी बातें मत करना। इस तरह रमेश अपनी माँ को खड़ी खोटी सुना के अंदर भेज देता है। क्या गलत कहा सासू माँ ने, क्या उनको मन नहीं करता अपने पोते पोतियों के साथ खेलने का? सब मेरी गलती है। इस तरह की खरी खोटी बातें सुनने से बेहतर है कि सासू माँ ने जो कहा मैं जाके अपनी जान दे दूं।
इस तरह से कहकर अनामिका गांव के प्रांत में जो कुआं है उस तरफ दौड़ने लगती है। रमेश भी उसके पीछे पीछे भागता है। कुएं के पास पहुंच के अनामिका कहती है, हे माँ गंगा, मुझे अपने गोद में संभालो और आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में मैं माँ बन सकूं। ऐसा कहकर अनामिका उस कुएं में कूद जाती है। जब अनामिका पानी में डूब रही थी, एक अदृश्य आवाज आके कहने लगी, अनामिका चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, इसी जन्म में तुम गर्भ धारण कर पाओगी। ये कहकर वो उसके हाथ में एक कड़ा देती है। इस बीच रमेश भी कूद जाता है कुएं में और अनामिका को बचा लेता है। फिर दोनों घर लौट जाते हैं। सोचा था सारा दुर्भाग्य दूर हो गया, तुम उसे फिर से क्यों ले आए? उसे मरने देना था ना वहाँ पे। माँ, अगर तुम इस तरह से दुर्व्यवहार करोगी तो हम दोनों ये घर छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे कितने दंपति है जिनके संतान नहीं है, किसने कहा जीने के लिए संतान चाहिए? अपनी सोच बदलो माँ। तुम्हारी इच्छा, तुम मरो। मैंने तुम्हारा अच्छा करने का सोचा, अब तुम मुझे खराब बोल रहे हो। ये सब कुछ तुम्हारे लिए था और तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। जब मैं 2 दिन बाद इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी, कौन मेरा अंतिम संस्कार करेगा? हाँ, इस तरह शारदा रोते रोते अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद अनामिका गर्भवती हुई। 9वें माह के बाद जब अनामिका बच्चा प्रसव करने वाली थी, शारदा को लगा था एक पोता या पोती होगी, लेकिन अनामिका के जादुई बच्चों को देखकर शारदा वहीं पे बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि अनामिका बच्चों के साथ बिस्तर पे लेटी हुई है। बच्चों को देखने के बाद शारदा, जो कई सालों से बच्चों के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, वो खुशी से झूम उठी।